नमस्कार, मैं सिमरन तिरवार। अभय न्यूज के 10 मार्च बुधवार दोपहर के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की कुछ ताजा खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आर के निवास, आर के होम्स एवं आर के क्लब एवेन्यू। की अपार सफलता के बाद आर के डेवलपर्स लाए हैं आर के निवास। लॉन्चिंग ऑफर 50,000 का डिस्काउंट प्रत्येक कंफर्म बुकिंग पर। बुकिंग मात्र 19,000 में। प्लॉट 5,76,000 से शुरू, मकान 9,33,000 से शुरू। आर के निवास SR पेट्रोल पंप के सामने, मक्सी रोड, उज्जैन। दौलतगंज सब्जी मंडी हटाने का विरोध कर रहे व्यापारी अपने प्रयास में सफल नहीं हो सके। नगर निगम ने आंदोलन को दरकिनार कर मंडी पूरी तरह से ध्वस्त कर दी है। 17 साल पहले मंडी हटाने के प्रयास पर अमल होने के बाद यहां पर कॉम्प्लेक्स बनना तय हो गया था, लेकिन दौलतगंज में यातायात के भारी दबाव को देखते हुए वर्ष 2004 में निगम परिषद ने सब्जी मंडी बहादुरगंज में स्थानांतरित करना तय किया था। यहां के व्यापारियों को विस्थापित करने लिए कॉम्प्लेक्स भी बना दिया गया, बावजूद व्यापारी वहां जाने को राजी नहीं थे। लेकिन जर्जर हो चुकी मंडी व यातायात की समस्या देखते हुए 8 दिन पहले निगम प्रशासन ने तुरंत मंडी हटाने का निर्णय लिया। सड़क पर दुकान लगाने वालों को हटाते ही व्यापारी विरोध करने लगे थे। बावजूद निगम प्रशासन ने सोमवार को सभी को दुकान हटाने की चेतावनी दे दी। आदेश के चलते बाहर लगी 14 गुमटियों के संचालकों ने मंगलवार सुबह से सामान समेटना शुरू कर दिया था। दोपहर में अतिक्रमण गैंग प्रभारी गोपाल गोयत, आसिफ पहलवान, योगेश गोठाल, मोनू थनवार JCB व टीम के साथ पहुंचे और पुलिस की मौजूदगी में कार्रवाई शुरू कर शाम तक 42 दुकानों के ओटले ध्वस्त किए। महाकाल मंदिर में महाशिवरात्रि के दिन बाबा महाकाल के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं को कम से कम 1.5 किलोमीटर तक पैदल चलना होगा। बाबा के दर्शन में भी 1.5 घंटे से अधिक समय लगेगा। प्रशासन ने ऐसी व्यवस्था की है कि देश के दूर दराज इलाकों से महाकाल के दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं को निराश नहीं होना पड़े और वे आसानी से दर्शन लाभ ले सकें। हालांकि 1.5 किलोमीटर की दूरी तय करने में उन्हें कष्ट का अनुभव नहीं होगा। बीच बीच में पीने के शुद्ध पानी की व्यवस्था होगी। पैर न जले इसके लिए सड़क पर कारपेट बिछा रहेगा। श्रद्धालुओं को धूप से बचने के लिए तिरपाल का टेंट भी लगा मिलेगा। प्रशासन को उम्मीद है कि महाशिवरात्रि के दिन कम से कम 25,000 श्रद्धालु महाकाल के दर्शन करेंगे। प्रशासन ने श्रद्धालुओं की 2 कैटेगरी बनाई है, एक सामान्य दर्शन वाले और दूसरे पासधारी व शीघ्र दर्शन वाले श्रद्धालु। शीघ्र दर्शन वाले वो श्रद्धालु हैं जो 250 रुपए का टिकट लेकर दर्शन करेंगे। शीघ्र दर्शन वाले श्रद्धालुओं को गेट नंबर 8 से प्रवेश दिया जाएगा, जबकि सामान्य दर्शन वाले श्रद्धालुओं को गेट नंबर 1 से प्रवेश मिलेगा। इंदौर, देवास, मक्सी और आगर रोड से आने वाले श्रद्धालु अपने वाहन हरी फाटक ब्रिज से इंटरप्रिटेशन सेंटर के पास बनी पार्किंग तक लाएंगे। यहां से पैदल चलते हुए चारधाम पार्किंग में बने जूता स्टैंड में जूते और क्लॉक रूम में सामान रखने की व्यवस्था रहेगी। बड़नागर व नागदा की ओर से आने वाले श्रद्धालुओं को कार्तिक मेला ग्राउंड व कर्क राज मंदिर ग्राउंड में गाड़ी पार्क करना होगी। उज्जैन के बड़नागर में हालात सामान्य हैं। बाजार खुल गए हैं, लोगों की आवाजाही भी शुरू हो गई है। बड़नागर के पड़ोसी जिलों से लगने वाली सीमाओं को मंगलवार रात में ही खोल दिया गया था। बड़नागर में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करने वालों का सुराग पुलिस को लग चुका है। जल्द ही उनकी गिरफ्तारी भी हो जाएगी। एहतियात बरतने के लिए पुलिस बल बुधवार को भी तैनात है। गौरतलब है कि सोमवार की रात असामाजिक तत्वों ने बड़नागर के अंधेरिया स्थित एक मंदिर की मूर्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए एसिड डालकर क्षतिग्रस्त कर दिया था। मंगलवार सुबह जब मंदिर के पुजारी ने देखा तो उसने पुलिस से शिकायत की। इसकी खबर हिंदूवादी संगठनों को लगी तो वे उग्र हो गए। सांप्रदायिक तनाव को देखते हुए DM आशीष, SP सत्येंद्र शुक्ल, ASP डॉक्टर रविंद्र वर्मा, SDM योगेश भरसटे मौके पर पहुंच गए थे। अधिकारियों ने प्रदर्शन कर रहे लोगों को समझाकर गुस्सा शांत कराया था। डॉक्टर वर्मा के अनुसार मंदिर में मूर्ति को क्षति पहुंचाकर कस्बे में तनाव पैदा करने वालों की पहचान कर ली गई है। जल्द ही उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। देवास के ग्रामीण क्षेत्रों में कई लोग लंबे समय से बिजली के बिलों का भुगतान नहीं कर रहे हैं। कनेक्शन काटने के बाद फिर से कनेक्शन को जोड़ लेते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ विभाग लगातार सख्त कार्रवाई कर रहा है। उनके दोपहिया वाहनों को जब्त किया जा रहा है।
ग्रामीण क्षेत्रों में सक्षम होने के बाद भी लोग बिलों का भुगतान नहीं करते हैं। इसी तरह बकाया बिजली बिल नहीं जमा करने पर ग्राम नेवरी में 2 वाहन जब्त किए हैं। दरअसल नेवरी विद्युत कंपनी द्वारा बिजली बिल के बकायेदारों के खिलाफ वसूली अभियान चलाया जा रहा है। इसी के चलते ग्राम नेवरी में रहने वाले जगदीश पिता रतनलाल मेहता का 19,000 रुपए का बिल बकाया होने पर स्कूटी वाहन जब्त कर लिया। वहीं देवी सिंह पिता दयाराम का 16,000 रुपए बिल बकाया होने पर बाइक जब्त कर कुर्की की कार्रवाई की। नमस्कार, मैं रुपेश पाड़े, कनेक्टिविटी मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण केंद्र नेवरी संभाग वागली वृद्ध देवास के अंतर्गत राजस्व वसूली के संबंध में पूर्व में RRC बी फॉर्म के माध्यम से इनको सूचना दी गई थी। उस सूचना के उपरांत इनके द्वारा पैसे नहीं जमा करने पर इनके जब्ती कुर्की की कार्रवाई की जा रही है, जिसमें जगदीश रतनलाल ग्राम नेवरी के निवासी हैं, जिनके द्वारा 19,000 के बिल बकाए पर उनकी मोटरसाइकिल स्कूटी जब्त की गई है, तथा देवी सिंह पिता दयाराम ग्राम सेठखेड़ी के निवासी हैं, इनका 16,000 के बिल बकाए पर इनकी मोटरसाइकिल जब्त की गई। ऐसी कार्रवाई सघन मार्च राजस्व लक्ष्य को निर्धारित लक्ष्य को पूर्ति करने के लिए ऐसी कार्रवाई करने के सतत कार्रवाई करने के ऊपर से आदेश प्राप्त है, वरिष्ठ कार्यालय के द्वारा आदेश प्राप्त है और ये कार्रवाई चलती रहेगी। इसलिए मैं समस्त ग्रामजनों से निवेदन करता हूँ कि आप सभी 10,000 से ऊपर बकाए वाले समस्त ग्रामवासी जो भी आपकी संबंधित विद्युत की समस्या ऑफिस में आकर संपर्क करके उस राशि को जमा कर दें। धन्यवाद। खाशो तहसील में इन दिनों एक के बाद एक कारनामे खुल रहे हैं। कहीं शासकीय जमीनों को बेचने का मामला है तो कहीं धोखाधड़ी का। ऐसा ही एक मामला जनसुनवाई में SDM पुरुषोत्तम कुमार के पास पहुंचा है। खालशोध उज्जैन दरवाजा स्थित जमीन पर सर्व ब्राह्मण समाज की भूमि पर ब्राह्मण कॉलोनी के नाम से प्लॉट काटे गए थे, जिसमें समाज के लगभग 40 लोगों ने रजिस्टर विक्रय पत्र से दिवंगत समाज अध्यक्ष से प्लॉट खरीदे थे, जिनका नामांतरण आज तक नहीं हुआ है। प्लॉट धारकों ने जानकारी में बताया कि समिति अध्यक्ष उपाध्याय की मृत्यु उपरांत उक्त जमीन को फर्जी तरीके से अध्यक्ष की पत्नी बेटों के नाम पोथी नामांतरण कर दिया। खुद को ठगा महसूस करने वाले प्लॉट धारकों ने इस मामले में SDM पुरुषोत्तम कुमार को जनसुनवाई में कार्रवाई की गुहार लगाई है। SDM पुरुषोत्तम कुमार ने प्लॉट धारकों को अपील करने की सलाह के साथ कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। तरानू में सर्व ब्राह्मण समाज की कॉलोनी कटी थी, उसमें हम सब प्लॉट धारक हैं और हमारे पास सबके पास रजिस्ट्रियां हैं, लेकिन अभी पिछले साल मार्च महीने में खुद ही नामांतरण करा दिया इसका पूरा जमीन का। किसके नाम से? उपाध्याय जी उसकी पत्नी के नाम से, जो वो सर्व ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष थे श्याम सुंदर जी उपाध्याय, उनकी पत्नी और उनके बेटों के नाम पे खुद ही नामांतरण हो गया। रजिस्ट्री किसने की थी आपको? रजिस्ट्री श्याम सुंदर जी उपाध्याय ने की थी, वो हमारे ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष थे। ये सब फर्जी हुआ है और इसको हम निरस्त कराने के लिए सब सर्व ब्राह्मण समाज के मेंबर लोग आए हैं। ब्राह्मण समाज के सदस्य यहाँ निरस्त अध्यक्ष का निर्वाचन कराने के लिए फर्जी हुआ है, उसको निरस्त करवाने के लिए आए हैं। पूरे मेंबर सब जना आई है, सब गलत हुआ है और इसको ठीक कराने के लिए आए। तो खाचरों के 18 आवेदन पत्र नामांतरण के आए हैं, किसी सोसाइटी से उन्होंने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से जमीन खरीदी थी, प्लाट खरीदे थे, उसके नामांतरण के लिए आए हैं। इसके अलावा एक फरनाखेड़ी का एक आवेदन आया है कि उनके प्लाट पे किसी कोई और आदमी जो है उसमें अतिक्रमण कर रहा है, ये संबंधित जो है तहसीलदार नायब तहसीलदार को कार्रवाई के लिए दिए। तो आपने देखा अभय न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर आपको हमारा बुलेटिन सही लगता है तो इसका फीडबैक फेसबुक और यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मिलते हैं इसी समय। नमस्कार।